अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म में कल रात में ही 4 ऐसे अमेजिंग अपडेट्स कर दिए, जिसमें से एक अपडेट लिटरली मुझे काफ़ी पसंद आए। तो दोस्तों, चलिए इन चारों अपडेट्स को डिटेल में समझ लेते हैं। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों अपडेट है, उस अपडेट से दोस्तों आप अपने व्यूअर्स को भी बढ़ा सकते हैं और आप अपने सब्सक्राइबर को भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अपडेट्स का नाम है न्यू व्यूवर्स। यानी कि दोस्तों, आप जब अपने YT स्टूडियो ऐप्स को ओपन करेंगे और आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके, तो इसके बाद दोस्तों आप ऑडियंस वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा न्यू व्यूवर्स का ऑप्शन। तो दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन में चलता हूँ और YT स्टूडियो की मुकम्मल तफसील बताता हूँ और इस अपडेट्स के बारे में मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल में बताता हूँ। चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन में चलते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को तीनों अपडेट्स एक एक करके बताऊंगा। सो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को YT स्टूडियो ऐप्स को ओपन कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको व्यू मोर में क्लिक करना है। व्यू मोर में क्लिक कर देने के बाद दोस्तों, सबसे पहले जो लास्ट वाला ऑप्शन है, आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑडियंस, इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को ऑडियंस वाले सेक्शन में आ जाना। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे रिटर्निंग व्यूवर्स दिख रहा है, इसको आपको ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों, आप यहां पे जो मेन सेटिंग है वो हमारा ये है। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि न्यू व्यूवर्स मेरे जो आए हैं लास्ट 28 डेज के अंदर वो है 29, और जो रिटर्निंग व्यूवर्स है यानी कि जो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिए हैं, मेरे चैनल को पहले से वीडियो मेरे चैनल का देख रहे हैं, उसके बाद भी वो दोबारा आके मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो 5 सब्सक्राइबर हैं। यानी कि दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने सब्सक्राइबर को अच्छी कंटेंट नहीं दे पाते हैं तो वो आपकी वीडियोस को एक बार देखता, उसके बाद आपके चैनल में नहीं आता है। तो इसके वजह से दोस्तों आपका रिटर्निंग व्यूवर्स इतना कम है और मेरा रिटर्निंग व्यूवर्स भी इस वजह से कम है। और दोस्तों, अगर आपका रिटर्निंग व्यूवर्स कम है तो दोस्तों आपको अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। यानी कि दोस्तों, अगर कोई आपकी वीडियोस को देख रहा है तो वो दोबारा आपकी वीडियोस को देखने के लिए नहीं आ रहा, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे कम शो हो रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू व्यूवर्स तो ज़्यादा शो हो रहा है लेकिन रिटर्निंग व्यूवर्स जो है वो कम शो हो रहा है। तो दोस्तों, इसलिए आप लोगों को अपनी वीडियो क्वालिटी को बेटर करना होगा ताकि जो नया व्यूवर्स है वो दोबारा आपकी वीडियोस को देखने के लिए आए। और दोस्तों, आपकी रिटर्निंग व्यूवर्स में भी ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ से जो न्यू व्यूवर्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो दोस्तों, आप लोगों को अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। दोस्तों, जितने भी एनालिटिक्स हमें PC में या फिर लैपटॉप में दिखाई देते थे, तो उसे धीरे धीरे करके YouTube ने सारे जो जितने भी PC के अपडेट्स है, जो भी PC के एनालिटिक्स है जो कि हमें क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट को ऑन करने के बाद दिखता था, वो दोस्तों अब आपके YT स्टूडियो में आ गया है। कुछ दिन पहले YouTube ने ये अमेजिंग अपडेट्स कर दिया था। दोस्तों, दूसरा अपडेट है वो है करेंसी को लेकर। दोस्तों, पहले क्या होता था कि आपको सिर्फ US डॉलर यानी कि आपको सिर्फ यूनाइटेड स्टेट डॉलर दिखाई देता था, आपको अपने पाकिस्तान की करेंसीज नहीं दिखाई देती थी। जैसे कि हमारे पाकिस्तान का है PKR, और अगर आप इंडिया में देख रहे हैं तो दोस्तों आपके इंडिया का INR। तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। इससे इस अपडेट का बेसिकली हमें कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला है, बस ये अपडेट्स थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने करेंसीज़ को PKR में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप इंडिया में तो आप INR में भी उस करेंसीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेटर अपडेट है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं तीसरे अपडेट की तरफ। तीसरा अपडेट जो है वो मुझे काफ़ी बेटर लगा। तीसरा अपडेट दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ को, जो भी बॉटम एक्सप्लोर और सब्सक्रिप्शन का जो भी पार्ट है वो आपको अब नीचे इस तरीके से दिखाई देगा। दोस्तों, ये तमाम मोबाइल में तो अभी शो नहीं होंगे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि YouTube जब भी अपने प्लेटफॉर्म में कोई अपडेट करता है तो वो पहले खास हुए यूज़र्स है उनको पहले अपडेट देता है, कुछ दिनों बाद जो है वो सब मोबाइल में ये अपडेट को लॉन्च कर देता है। तो दोस्तों, ये अपडेट बहुत जल्द आपके पास भी आ जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथे अपडेट्स की। दोस्तों, चौथा अपडेट काफ़ी बेटर है लेकिन दोस्तों अभी इसके पर एक्सपेरिमेंट चल रही है, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। दोस्तों, जब ऑडियंस की तरफ से उन्हें अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा तो वो इस अपडेट को भी YT स्टूडियो ऐप में लॉन्च कर देगी। दोस्तों, आप यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके जो सबसे ज़्यादा आपकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो यानी कि जो वीडियो सबसे ज़्यादा आपकी वायरल हुई उसकी आप एनालिटिक्स को अपने YT स्टूडियो ऐप में देख सकते हैं। तो ये काफ़ी बेटर अपडेट है लेकिन ये अभी लॉन्च नहीं हुआ। अगर आपको ऑडियंस की तरफ से इसको ज़्यादा वोटिंग मिलेगा, ज़्यादा फीडबैक मिलेगा तो वो इस अपडेट को भी लॉन्च कर देगी। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में शैला वाले अपडेट के बारे में जो बताया, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट्स है हम जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए, करना चाहता हूँ एक्सप्लेन में बताना चाहता हूँ कि अगर आपके रिटर्निंग व्यूवर्स बहुत कम आते हैं, अगर आपके नए व्यूवर्स तो आते हैं लेकिन आपके रिटर्निंग व्यूवर्स नहीं आते, तो आपको अपने कॉन्टेंट को इम्प्रूव करना होगा। यानी कि दोस्तों, आपको अपनी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी को और थंबनेल को इम्प्रूव करना होगा। उससे दोस्तों पता चल जाएगा कि आपके नए व्यूवर्स जो आपके पुराने सब्सक्राइबर है, जो आपके पुराने व्यूवर्स है, वो आपके चैनल को अगर ज़्यादा देखने लगेंगे तो उसके वजह से आपके चैनल में व्यूज़ भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को अपनी वीडियो क्वालिटी भी बेटर करनी होगी और आपकी वॉइस क्वालिटी भी बेटर करनी होगी। दोस्तों, इसके वजह से आपके रिटर्निंग व्यूवर्स भी आएंगे और आपके चैनल में व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे।
तो दोस्तों ये थी कुछ चार ऐसे अमेजिंग अपडेट्स जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। पहली वाली अपडेट तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और जो चौथी वाली अपडेट है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा, बहुत जल्द इसे भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ आपको इस चैनल में मिलते रहती। तो मिलते हैं एक और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।